शिक्षा विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद आए दिन बिहार के शिक्षकों का फर्जी सर्टिफिकेट जो है वो निकल कर सामने आते रहता है। ऐसे में बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे थे, जिसमें एक और नया मामला निकल कर सामने आया है, जिसमें ये पाया गया है कि अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है और उसी के आधार पर वो नौकरी कर रहे थे। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया में एक मामला आया है। जानकारी के अनुसार 2000 से अधिक शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनके अंगूठे के निशान या आधार कार्ड की जानकारी सक्षमता परीक्षा के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही है। इससे इन शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है और आगे क्या होगा इस पर शिक्षा विभाग जल्द ही फैसला करेगा। दरअसल 1 अगस्त से शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया में सक्षमता परीक्षा के दौरान लिए गए बायोमेट्रिक डेटा और आधार कार्ड की जानकारी का मिलान किया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में यह मिलान सही नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के पास जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 2000 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। माना जा रहा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले करीब 1,87,000 नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना है। इन्हें विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। इनके पदस्थापन के लिए नियम बनाने वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही इस रिपोर्ट पर अंतिम मुहर लगने के बाद नियुक्ति और ट्रांसफर संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। बिहार में कुल 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिनमें से 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं। पास हुए इन शिक्षकों की काउंसलिंग होना बाकी है, जिनमें से लगभग 1 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। सबसे अधिक सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक दरभंगा जिले से हैं, इसके बाद समस्तीपुर से हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर से और फिर उसके बाद सिवान का स्थान है। काउंसलिंग के बाद इन शिक्षकों को नए स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में 2000 से अधिक शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनके अंगूठे का निशान या आधार कार्ड की जानकारी सक्षमता परीक्षा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रही है। जी हाँ, सभी नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा था, लेकिन ऐसे काउंसलिंग में ये जितने भी शिक्षक की काउंसलिंग चल रही थी उनमें से 2000 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनके अंगूठे का निशान और जो आधार कार्ड है वो सक्षमता परीक्षा से रिकॉर्ड नहीं है और अंगूठे का जो निशान है वो भी मिलान नहीं खाया है। ऐसे में इसके आगे क्या होगा इस पर जल्द ही शिक्षा विभाग जो है वो फैसला करेगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।